सो आज की सुनो फ्रेंड्स, दिखाने वाला HDFC ATM मशीन से ATM का पिन जनरेट कैसे करेंगे। आज की सुनो फ्रेंड्स दिखाने, अगर आपको HDFC ATM मशीन से पिन जनरेट करना नहीं आता है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। इस वीडियो में आपको पूरा फुल्ली जानकारी देने वाला फ्रेंड्स, यहाँ पे किस तरह से HDFC ATM मशीन से डेबिट कार्ड का न्यू डेबिट कार्ड का पिन जनरेट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। शुरू करने छोटे के सब्सक्राइब से लाइक कीजिए, अगर चैनल पर जाने का तो सब्सक्राइब कर दे बने को प्लेस लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। इसके लिए अपना डेबिट कार्ड यहाँ पे आपको HDFC मशीन में यहाँ पे स्वाइप करना पड़ेगा। जैसे ऑलरेडी मेरे पास HDFC का न्यू डेबिट कार्ड है, ये मुझे रिसीव हुआ है। चलिए मैं इसका पिन बनाकर दिखाऊँ किस तरह इसका पिन बनाना। देखिए अपने डेबिट कार्ड को यहाँ पे स्वाइप करेंगे इस तरह से। थोड़ा टाइम यहाँ पे आपको वेटिंग करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे आपको लैंग्वेज चूज़ करना है, किस लैंग्वेज को यूज़ करना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिलनाडु, जिसमें करना चाहते हैं इसको यहाँ पे आप स्वाइप कर लेंगे। चलिए यहाँ पे मैं इसको स्वाइप कर ले रहा हूँ यहाँ से। अब क्या करना चाहते हैं, अगर बैलेंस विड्रॉल करना चाहते हैं इंक्वायरी आपको फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो देखिए सेट योर पिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको जो आपके मोबाइल नंबर पर OTP रिसीव हुआ OTP यहाँ फिल करेंगे। अगर आपको किसी इशू कारण OTP नहीं फिर आता है तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके OTP यहाँ पर मंगा सकते हैं। जैसे ही वहाँ पे OTP डाल कर वहाँ पे नेक्स्ट पेज आपको पहुँचा देगा। अगर आपके पास OTP नहीं आता है तो आप उस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके OTP वहाँ मंगा सकते हैं, HDFC ATM पिन का OTP मंगा सकते हैं। अगर उस सिचुएशन में आपके पास OTP नहीं आता है तो आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको एक फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। इसके बाद दो तीन दिन के अंदर में आपके पास OTP आएगा, वो OTP वहाँ पे लिखा रहेगा, वो OTP कितनी टाइम तक वैलिड रहेगा वो OTP वहाँ पे दिखा देगा। उस टाइम के पहले पहले आपको वहाँ पे ATM पिन बना लेना पड़ेगा। जो OTP आपको आया, OTP जैसे वहाँ पे डाल गया नेक्स्ट पे आपको पहुँचा देगा। नेक्स्ट पे आपको दिखाएगा वहाँ पे मोबाइल नंबर आपको डालने कहेगा, जो आपके HDFC बैंक के साथ मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर पूरा यहाँ पे डालेंगे। मोबाइल नंबर जैसे डालेंगे इसका देखिए कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास HDFC मशीन कोई अगर टच डिस्प्ले वाला होगा तो वो ऑटोमेटिक वहाँ पे ले लेगा, नहीं तो आपको बटन पे क्लिक करना पड़ेगा कंटिन्यू। कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे सेकंड पेज में आपको लेकर आ जाएगा, वहाँ पे आपको डालने का 4-डिजिट पिन, यानी कि जो पिन आप यहाँ पे HDFC ATM मशीन का पिन बनाना चाहते हैं, जो पिन आप रखना चाहते हैं वो पिन आप यहाँ पे फिल करेंगे। कम से कम 4-डिजिट के यानी कि 4 अक्षर का यहाँ पे आपको पिन डालना पड़ेगा। पिन जैसे डालेंगे बटन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको दोबारा से आपको वहाँ पर री इंटर पिन डालने का, यानी कि जो पिछले बार पिन डाले थे वही पिन दोबारा से यहाँ पर डालेंगे ताकि ये पिन आपका कन्फर्म हो जाए। इसके बाद आपको दूसरे पेज में थोड़ा सा जैसे कंटिन्यू करेंगे थोड़ा टाइम यहाँ रीलोड लेगा, आपको थोड़ा टाइम यहाँ पे वेटिंग करना पड़ेगा। वेटिंग जैसे करेंगे आपके पास वहाँ पे खुल के आ जाए, इस तरह से आपको दिखाया जाएगा यू हैव सक्सेसफुल चेंज योर ATM पिन, यानी कि आपने जो यहाँ पे ATM पिन बनाया है वो पूरी तरीके से आपका पिन यहाँ पे बन चुका है, पिन बनकर रेडी हो चुका है, आपको सक्सेसफुल का मैसेज आपको वहाँ पे दिखा दिया जाएगा। अब इसके लिए तो अब जस्ट जैसे पिन बनाते हैं जस्ट वहाँ पे बैलेंस या इंक्वायरी कर सकते हैं या आधार विड्रॉल कर सकते हैं या किसी तरह का चीज़ वहाँ पर ATM मशीन से आप कर सकते हैं। सो आप इस तरह से यहाँ पर अपने HDFC ATM मशीन से यहाँ पर अपने ATM कार्ड का पिन यहाँ पर जनरेट कर पाएंगे, वो भी ATM मशीन से। सो आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा फ्रेंड्स यहाँ पे HDFC मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं इस चैनल को आप कर लिए सब्सक्राइब, कर लिए बेल आइकन को प्रेस लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन से पहले देखने के लिए, उसमें आपको पूरा फुल्ली जानकारी फ्रेंड्स आपको बताऊँगा HDFC मोबाइल बैंकिंग कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो ये छोटी सी वीडियो थी HDFC ATM पिन बनाने से लेकर। अगर ये वीडियो आपको पसंद है लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए, मन में कोई कन्फ्यूजन आप कॉमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं।